दोस्तों, अगर आपको चाहिए रेलवे, पुलिस, यूपी, SSSC, SSC, बैंक या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का स्टडी मटेरियल, तो आप एक काम तुरंत कर लीजिए। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस प्रतियोगी परीक्षा का स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको रेलवे, यूपी, SSSC, SSC की लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। सिंपल समाचार में हम बात कर रहे हैं कि सरकार के पास लगभग 24 लाख खाली वैकेंसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट। तो आप जो देख रहे हैं, आपके राज्य सरकार और सेंटर से सवाल पूछिए कि अगर 20 लाख नौकरियां कम हुई है, रोजगार कम हुआ है पिछले 2 साल में, तो ये जो 24 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है, वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मेरे साथ रवीश है। रवीश, हर रोज आपके पास ऐसे सवाल आते हैं, हजारों। मेरा तो मानना है कि ये थीम वाला जो टॉपिक है, अर्बन नक्सल, हिंदू मुस्लिम, ये अगर ना हो और नौकरी पे अगर सारे चैनल 1 महीना कार्यक्रम करते हैं, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि 10 लाख लोगों के हाथ में नौकरी पहुंच गई है। क्योंकि सारी सरकारों के पास नौकरियां हैं, वो दे नहीं रही हैं। वो क्या बहाना बनाती हैं, जैसे बिहार में देखिए, राज्य कर्मचारी चयन आयोग 2014 में क्लर्क के 13,000 पोस्ट के वैकेंसी निकलता, आज तक पता नहीं आने। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के बता रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले साल 2,000 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे गए, तो जो एडहॉक टीचर पढ़ाते हैं, तो सबने, एक एक टीचर ने 35,000 के फॉर्म भरे हैं, मैंने कई करोड़ रुपए दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जमा हो गए। कुछ दिनों में जब वो 1 साल हो जाएगा, तो वो लैप्स कर जाएगा, वो पैसा आपको मिलेगा भी नहीं, उसके पहले का भी उनका पैसा डूबा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी परीक्षा लीजिए, जैसे टकसाल है हैदराबाद, वहां नियुक्ति की सारी प्रक्रिया हो गई लेकिन चिट्ठी नहीं मिल रही, तो बीच में कोई कोर्ट केस कर देगा। तो इस तरह से जो नौजवान है, जो लड़के हैं, उनको मालूम नहीं है कि ये तो कोई टीवी वाला कवर करता नहीं है, तो जाए कहां? अखबार में छोटी छोटी खबरें छप जाती हैं, बहुत परेशान। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको एक केस पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे आपको, हमको सबको पता चलता है कि किस तरह से हमारे नौजवान परेशान है, लड़के और लड़कियां। एक ने लिखा कि सर, 2015 में यूपी ने दरोगा की भर्ती निकाली थी, फिर उसे कैंसिल कर दिया। भर्ती निकाल के कैंसिल करना, ये भी एक धंधा है। मतलब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आया और उसको कैंसिल कर दिया गया। कल भी आप बात कर रहे थे किस तरीके से, ये एक नया धंधा है अक्रॉस इंडिया। इसीलिए कि लड़कों को पता ना चले कि नौकरी है, और उनके माँ बाप को भी ना पता चले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम इसीलिए बार बार आता है और थीम आता है, नया थीम। जैसे त्रिमूर्ति में मूर्ति किसकी लगेगी, अब इसका किसी की भी लग जाए, वो जो कटवरिया सराय में जो तैयारी कर रहा है, या पत्रा सिनेमा के पास मुखर्जी नगर में, उससे उसे क्या लेना देना है, उसको नौकरी चाहिए। तो अब आप देखिए कि 2015 में वैकेंसी निकली, कैंसिल। 2016 में फिर से एडवर्टाइजमेंट आया, जिसमें 3300 पद थे, जिसके लिए 6.5 लाख लड़कों ने अप्लाई किया। अब इसमें 3 साल लग गए, 3 साल लगे, तो जिसमें क्या हुआ कि पूरी प्रक्रिया पास करके 4,500-6,000 बच्चे शेष हैं, और लंबी प्रक्रिया होने से बहुतों की बहुत ओवर एज हो गई। तो सरकार कोर्ट में कहती है कि वो हर साल 3200 पोस्ट क्रिएट करेगी पुलिस के लिए और SI के लिए और भर्ती करेगी। तो इनका कहना है कि आपने 2011 से 2015 तक कोई पोस्ट ही क्रिएट नहीं किया, तो हम जो ओवर एज होके बर्बाद होने जा रहे हैं, हमने परीक्षा पास की है, आप हमारे लिए पोस्ट नया इसी बार सैंक्शन कर दो, हमें नौकरी दे दो। इतना डेस्परेशन है। बिहार में 55,000 लोग टेट की परीक्षा पास करके बैठे हैं, और 2019 में वो लैप्स कर जाएगा ऑन इंडियो, तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। वो और उनका 2012 से 2018 आते आते वो ओवर एज हो जाएंगे। तो इस तरह से दिल्ली का जो चयन बोर्ड है, वहां उनकी हालत खराब है। और ये कमाई का धंधा है, एक सपना बेचा जाता है। जैसे चुनाव आता है, अब ये नौजवान समझ गए, चुनाव के साल में खूब सारी वैकेंसी निकलेगी, 2-3 परीक्षाएं हो जाएंगी, लेकिन उसका रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा। ये पहले के भी चुनाव में हुआ, रेलवे ने भी जो कलम, रेलवे के पास 2.5 लाख नौकरियां हैं, और ये उसके लिए 1,20,000 नौकरियां शायद उन्होंने अनाउंस किया है, और कहा है कि एग्जामिनेशन मार्च तक हो जाएगा। मार्च तक होगा, तो चिट्ठी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी को पता नहीं। आपको कह रहा, आप धंधे की बात कर रहे हैं। अमेरिका में 90 दिन में नौकरी सरकारी की प्रक्रिया पूरी जाती है, ठीक है, हम तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत में 3 साल में क्यों पूरी होनी चाहिए? ये कौन सी परीक्षा व्यवस्था कि आप 3 साल में पूरी करते हैं? और चेयरमैन के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से ऐश कर रहा है चेयरमैन, सारे चयन आयोगों के चेयरमैन का वो ऐश करने का अड्डा है। भ्रष्टाचार, पेपर लीक होना, ये सब की ये कहानियां तो है ही, लेकिन नौकरी नहीं देने का जो एक पूरा नौजवानों के साथ जो एक डिजाइन बना है, आप अगर समझें तो, चाहे आपको कोई अर्बन नक्सल कहे तो या ना कहे तो, लेकिन ये डिजाइन है जिसके तहत हम नौजवान को बेरोजगार रखेंगे और टीवी से हिंदू मुस्लिम रोज
रात को देंगे। आपको एक और एक बता दूंगी, मेरे पड़ोस में एक ड्राइवर हैं मंडल जी, उनके बेटे को वो भोपाल में एक इंटरव्यू के लिए ले गए और उसके बाद सीधा ले गए चंडीगढ़ दूसरे इंटरव्यू के लिए अगले दिन। हाँ। और मैंने पूछा कुछ होने वाला है मंडल जी, उन्होंने बोला नहीं, जिसको मैंने कुछ किसी को पैसा दिया है उसका जुगाड़ है। हाँ। लेकिन वो भी कह रहा है कि अभी किसी चीज का 100% सर्टेन नहीं हो सकते। तो आप देखिए कि जो बिचौलिया है, दलाल है, वो भी सर्टेन नहीं कर सकता। मेरा जो है हर 2 घंटे पे मैं 20 मिनट लगा के कोई 500-600 मैसेज डिलीट करता हूँ। लेकिन ज्यादातर मैसेज इन्हीं लड़कों के हैं, वो परेशान है नौकरी को लेके। कोई भी बड़ी खबर होती है उस दिन भी वो मुझे 1000 मैसेजेस इस बात के आते हैं कि आप हमारी नौकरी का प्लीज दिखाइएगा, आज आप वो मत दिखाइएगा। वो आप अंदाजा नहीं कर सकते ऑन इंडिया कि वो कितने परेशान है नौकरी की। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। अब आपको कल बताया था शंकर जो है, उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की परीक्षा दी, 2013 में उसका विज्ञापन निकला था, 2014 में जब उस नौजवान